जाएगा तो ये और भी ज्यादा हो सकता है। फिलहाल आगे की खबर का रुख करते हैं। बाढ़ के पंडारक प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पंडारक में रह रहे क्वारंटीन मजदूरों के लिए समय पर नाश्ता और खाने और सफाई की व्यवस्था नहीं होने के चलते वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट गया। इन लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सेंटर में रखी कुर्सियों और फर्नीचर को तोड़कर रख दिया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं बद इंतजामी को लेकर किस तरह से बवाल किया गया। जो लोग यहां क्वारंटीन सेंटर में थे, जो कुर्सियां वहां थी उस पर उनका गुस्सा फूटा, जबरदस्त हंगामा किया गया, कुर्सियों को तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। इनकी ये शिकायत, ना नाश्ता मिल रहा है समय पर, ना खाना समय पर मिल रहा है, और इस बात से आजिज होकर, इस बात से नाराज होकर इन लोगों ने इस तरीके से अपने गुस्से को जाहिर किया। लेकिन हम ये लगातार बात कहते रहते हैं कि सरकार कोशिश लगातार कर रही है, सरकार के पास साधन भी हैं, लेकिन ये साधन सीमित हैं, और इसी लिहाज से कोशिश प्रशासन की भी हो रही है कि किसी तरह की कोई समस्या या दिक्कत ना आए। लेकिन जो लोग यहाँ क्वारंटीन सेंटर्स में हैं वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुस्सा उनका फूट जरूर रहा है। इधर कुव्यवस्था पर कोहराम लगातार जारी है और प्रवासी मजदूर अब व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी खुलेआम जाहिर कर रहे हैं। बाढ़ के पंडारक प्रखंड में बाहरी मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन तीनों सेंटर्स का हाल जरूरत से ज्यादा खराब है, या यूं कहें कि बेहद खराब है, जिसके चलते यहां रहने वाले बाहरी मजदूरों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। वहीं सासाराम के चेनारी के राम दुलारी गंगा इंटर स्तरीय विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर पर ठहरे मजदूर भी कुव्यवस्था से नाराज होकर हंगामा कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं बाढ़ और सासाराम की। बाढ़ में हमने आपको दिखाया कैसे यहां पर क्वारंटीन सेंटर्स में बदहाली को लेकर लगातार नाराजगी, हंगामा, नारेबाजी इन लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है। वहीं सासाराम में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, यहां पर भी हंगामा हो रहा है, यहां पर भी बड़ा ही आक्रोश इन लोगों का देखने को मिल रहा है जो बाहर के राज्यों से आए हैं और इस वक्त क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं। इधर फारबिसगंज के रानीगंज प्रखंड के कलावती कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर के बाहर प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने फारबिसगंज रानीगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सभी प्रवासी मजदूर खाने की खराब क्वालिटी को लेकर आक्रोशित दिखे और खाने से भरी थाली लेकर सड़कों पर पहुंचे। इसके बाद हंगामा शुरू किया। क्वारंटीन सेंटर में करीब 400 मजदूरों को रखा गया है। मजदूरों ने खाने से भरी थाली सड़क पर फेंक दी और सड़क को जाम कर दिया। मामले की जानकारी के बाद रानीगंज सीओ पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। तो लाउडस्पीकर पर भी आप आवाज सुन रहे हैं। कोशिश वहां मौजूद जो व्यवस्था देखने वाले पुलिस या प्रशासन के लोग हैं वो लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि आप संयम बरतें, लेकिन ये तस्वीर सामने आ रही है। मात्र साजिश के तहत ये सब हो रहा है जो किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए। कल ही लोगों को घुगनी चूरा मुड़ी दिया गया है, आज उसको चेंज किया गया। चूरा मुड़ी दालमोठ नमक तेल प्याज मिला के दिया गया, अब क्या दिया जाएगा इसको सुबह के नाश्ता में? सही बात है। रात में जो 2 बजे आया है उसको 2 बजे 4 बजे सुबह में हम कहाँ से खाना देंगे? खाना का टाइम होता है, खाना बनने नहीं दे रहा है। कोरोना से बचने के लिए प्रवासियों को क्वारंटीन करना और उनके लिए साफ सफाई का इंतजाम बेहद जरूरी है। कोरोना से लड़ने के लिए लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होना भी बेहद अहम है। लेकिन अब हम आपको प्रवासियों को रखे जाने वाली ये 4 क्वारंटीन सेंटर्स की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आप कहेंगे कि ऐसे केंद्रों में बीमार तो क्या स्वस्थ होंगे, बल्कि स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ जाएगा। ऐसा ही एक क्वारंटीन सेंटर मुंगेर के धरहरा में है जहां लोगों के लिए शौच तक का इंतजाम नहीं किया गया है। मजबूरी में पुरुषों को तो दूर सेंटर में रह रहे महिलाओं और बच्चों को भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर नालंदा की, जहां अव्यवस्था के आलम को वहां पर रह रहे लोगों ने वीडियो बनाकर सरेआम कर दिया। तीसरी तस्वीर बेगूसराय के बलिया अनुमंडल स्थित सदानंदपुर गांव की बनी हुई जहां क्वारंटीन सेंटर्स है। प्रशासन की तरफ से भोजन की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से लोग घरों से खाना मंगाकर खाने को मजबूर हैं। एक और तस्वीर छपरा के बनियापुर के कन्हौली में बने हुए क्वारंटीन सेंटर की है जहां दूसरी बद इंतजामी के अलावा मास्क और साबुन तक नहीं दिया जा रहा है।
बताइए सर, आप लोग आपके मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं। बेगूसराय में क्वारंटीन सेंटर्स का हाल यह है कि वहां लोग अपने घरों से खाना मंगाकर खाने को विवश हैं। यहां की प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल रहे बलिया अनुमंडल स्थित सदानंदपुर गांव के कॉलेज और स्कूल पर बने दो क्वारंटीन सेंटर्स पर 300 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा भोजन की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। मजबूरन लोग अपने अपने घरों से ही खाना मंगवाकर खा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग किस तरह धड़ल्ले से क्वारंटीन सेंटर पहुंचे और अपने परिजनों को यहां खाना पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विभिन्न प्रदेश से आने के बाद बेगूसराय ज़िले में संक्रमित मरीजों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। फिलहाल बेगूसराय में 40 कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीज हैं, जिससे 26 जो हैं वो प्रवासी हैं। खाना देने आने का रीज़न है कि यहाँ पे जो सुचारू रूप से व्यवस्था होना चाहिए वो सही नहीं है। हमारा भाई रहता छोटा, वो दिल्ली से आया है, वार्ड नंबर 1 से हम खाना लेकर आए हैं, वो दिल्ली से आया है परसों रात में। रोटी सब्जी पूरी जो होता है अपना देते हैं। सरकार की व्यवस्था तो एक टाइम अभी चना थोड़ा सा दे दिया है, अब 3 बजे तक हायर होगा वही चना पर। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर का हाल बेहाल है। सेंटर में रह रहे प्रवासी शौचालय के सेंटर से बाहर निकलकर पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। यहां रह रही महिलाओं और बच्चों को हो रही परेशानियों का भी कोई खास ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बच्चों को दूध और महिलाओं को अब तक कपड़े नहीं मिले हैं। लोगों का कहना है कि भेड़ बकरी की तरह यहां लोगों को रखा जा रहा है। सेंटर में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही शौचालय सही है। इस सेंटर में 61 प्रवासी रह रहे हैं, जिसमें महिलाएँ 12, बालिका 5, पुरुष 41 और बच्चे बालक यानी जो छोटे लड़के हैं वो 3 की संख्या में रह रहे हैं। जी आप कहाँ रह रहे हैं? जी मध्य विद्यालय धरारा क्वारंटाइन सेंटर में। जी तो शौचालय की व्यवस्था सही है? जी नहीं, पूरा खराब है। कहाँ जाते हैं शौचालय? हम लोग बाहर जाते हैं जंगल की ओर। हाँ जंगल, क्या जहाँ सुविधा मिले वहीं जाएंगे हम लोग। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं है, जिंदगी को मेरे नर्क बना दिया है। मैं नर्क कभी नहीं देखा था, यहाँ आके देख लिया हूँ। कोई साफ सफाई नहीं है। शौचालय शौचालय बहुत ज्यादा गंदा है। यहाँ दिक्कत है, बच्चा उधर कपड़ा उपड़ा नहीं है, एगो सिंगल कपड़ा पहन के आए, एगो की देते हैं घर दे रहता है। खाना पीना खाना पीना लेट से आता है, बच्चा उधर रोता है।